पता है आज है मलाला डे, एक ऐसी लड़की के जन्मदिन को आज सेलिब्रेट किया जाता है जिसने अपनी पढ़ाई के संघर्ष के चलते अपने सिर पर और गर्दन पर गोली खाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की रहने वाली मलाला यूसुफ़ज़ई की। ये बात है साल 2012 की, जहाँ मलाला रहा करती थी वहाँ तालिबानियों ने लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन मलाला पढ़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ना सिर्फ तालिबानियों का विरोध किया बल्कि खुद के साथ साथ बाकी लड़कियों को पढ़ाने पर भी जोर दिया। इसी के चलते 9 अक्टूबर साल 2022 को एक नकाबपोश तालिबानी ने बस में चढ़कर मलाला के सिर और गर्दन पर उसे गोली मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान और बाद में यूनाइटेड किंगडम में उनका इलाज चला और जिसके बाद वो मौत के मुंह से बाहर आ गई। तालिबानियों और मौत को हराने के बाद साल 2013 में मलाला यूसुफ़ज़ई ने संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा को लेकर एक जमकर स्पीच दी। अब इस स्पीच ने दुनिया भर में एक भारी इफेक्ट छोड़ा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन यानी 12 जुलाई को मलाला के जन्मदिन को पूरी दुनिया में मलाला डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी। तभी से आज के दिन को मलाला डे के रूप में मनाया जाता है।